हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। नवरत्न अकेडमी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी टीईटी 2018 के सिलेबस को लेके। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो उन लोगों को बधाई जो लोग पात्रता परीक्षा 2018 में अच्छे अंकों से पास हुए, उन सबको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आइए अभी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं लिखित परीक्षा के सिलेबस को लेके। सबसे पहले तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे, एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, ज़रूरी टीईटी का ही हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम को देने से पहले आपको सबसे पहले उसका सिलेबस देखना होता है कि उस एग्ज़ाम में क्या आ रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, यानी कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आ रहा है और हमें किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है जिससे हम एग्ज़ाम क्रैक कर लें। देखो, यहाँ पे अगर यूपी टीईटी 2018 की बात करें तो टोटल यहाँ पे आपको मिलेंगे 11 सब्जेक्ट, यानी आपको यहाँ पे 11 सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी पड़ेगी। हालाँकि ऑलरेडी आप लोग 5 से 6 सब्जेक्ट्स प्री एग्ज़ाम में पढ़ चुके हो, अभी यहाँ पे आपको 11 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। हिंदी आपके आने वाली है 20 मार्क्स की। ये 20 मार्क्स आपके ऐसे हैं जो बहुत ही कम मेहनत करके भी आप आराम से पा सकते हो, क्योंकि हिंदी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, तैयारी आपकी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे जो 20 मार्क्स का हिंदी है, ये आपका बहुत ही श्योर मार्क्स है। आप 20 out of 20 मार्क्स ला सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। जो भी नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है उसको बरकरार रखें, साथ में कुछ नई चीज़ें भी सीखें जो आप शायद पिछली बार ना पढ़ पाई हो, उनको आप अच्छे से पढ़ो। तो ये 20 मार्क्स आपका बिल्कुल श्योर है, इस पर इसको पकड़ के रखो। दूसरा सब्जेक्ट आपका आने वाला है अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी टीईटी में बहुत सिंपल आती है, बेसिक सी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल से, टेंस से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, नरेशन, पैसिव वॉइस से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से, प्रीपोजिशन से। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बेसिक इंग्लिश आपको पढ़ना है, ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा सब्जेक्ट है संस्कृत, जो कि 10 मार्क्स की आने वाली है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। चौथा है गणित, 20 मार्क्स गणित, 20 + 20 + 20, 60 मार्क्स आपका कवर करता है हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित, संस्कृत को इंक्लूड करके हो जाएगा 70 मार्क्स। पाँचवा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण, जो कि 10 मार्क्स का है। शिक्षण कौशल 10 मार्क्स का है। बाल मनोविज्ञान 10 मार्क्स का है। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं 30 नंबर की हैं, सबसे ज़्यादा नंबर का है ये समसामयिक घटनाएं और सामान्य ज्ञान। नवा है तार्किक ज्ञान, 5 नंबर का आएगा, तार्किक रीजनिंग आएगी। सूचना तकनीकी 5 नंबर का आने वाला है, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी चीज़ इसमें आएंगी। जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये 10 मार्क्स का आएगा। अभी यहाँ पे ये टोटल जो 11 सब्जेक्ट्स हैं आपके, इसको आप अच्छे से पढ़ो। अभी तैयारी कैसे करना है इस प्रोसेस करते हैं। देखो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, बाल मनोविज्ञान, ये जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके, ये आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। बस पुराना जो नोट्स हैं, पुरानी जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, उनको रिवाइज करना है। उसके बाद यानी 20 + 20 = 40, 50, 70 और ये 80 मार्क्स का ऑलरेडी आप पढ़ रखे हो। अब आपको आवश्यकता है 70 मार्क्स का पढ़ने की, तो इन पे आपको इस जो 80 मार्क्स का है इसको बरकरार रखना अपनी नॉलेज को। साथ में अब जो नए चीज़ आपको सीखने हैं, यहाँ पर 10 मार्क्स का पर्यावरण, हालांकि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। शिक्षण कौशल 10 मार्क्स का ये पढ़ना है आपको, 10 + 10 = 20। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना, इसमें काफ़ी वास्ट है। अब आपको इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके चलनी होगी, क्योंकि 30 नंबर का लेके जाता है। पर डे करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा। अगर इस टॉपिक की बात करें, 30 नंबर का ये जो टॉपिक है, इस पर हम लोग कुछ नोट्स प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो हम आपको पर डे 70 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, जो कि सब सिर्फ सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाओं को लेकर रहेंगे। हम लोग पर डे 70 क्वेश्चंस देते हैं,
पीडीएफ में देते हैं कोचिंग की तरह, कोचिंग के नोट्स जो हैं हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो अगर आप इनका नोट्स चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो, इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाओं के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। नवा है तार्किक ज्ञान, रीजनिंग बहुत ही सिंपल होती है, सब लोग इसको आसानी से 5 में से 5 नंबर ला सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। सूचना तकनीकी ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर आपको कंप्यूटर, इंटरनेट, इनकी नॉलेज होना आवश्यक है। 11वां जीवन कौशल और प्रबंधन अभिवृत्ति, ये 10 मार्क्स का है, इसको पढ़ना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो रिमेनिंग 6 सब्जेक्ट हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां से आपका सिलेक्शन होना या ना होना का निर्धारण होगा, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट जो हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, बाल मनोविज्ञान, ये सब्जेक्ट सभी को आता है, प्री एग्जाम सब पास करे हो। तो यहां से विजेता का डिसीजन यहां से नहीं होगा, क्योंकि ये सब लोग करेगा। अभी आप पीछे कैसे होगे या आगे कैसे होगे, इसका निर्धारण आपके सब्जेक्ट कौन कौन से करेंगे, शिक्षण कौशल, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, सूचना तकनीकी और जीवन कौशल। यानी सीधी सीधी बात है कि लिखित परीक्षा में यदि आपको अच्छे से नंबर लाना है, इसमें विजयी पाना है, तो आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और बाल विज्ञान के साथ साथ शिक्षण कौशल, सूचना तकनीक, सामान्य ज्ञान और जीवन कौशल, ये विषय पढ़ना होगा, और ये विषय ही है जो आपको अन्य लोगों से आगे करेंगे। तो बस यही कहना है इस वीडियो में आप सबसे कि जो जो सब्जेक्ट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसको आप बरकरार रखो, साथ में नई चीज़ें सीखो। शिक्षण संस्थानों में हालांकि 11 सब्जेक्ट्स हैं तो कायदे अनुसार 11 टीचर होना चाहिए, नियम तो यही कहता है, परंतु यहाँ पे ललितपुर ज़िले की यदि मैं बात करूँ, पता चला 2 ही टीचर सारे विषय पढ़ा रहा है, कई लोग तो 1 ही टीचर सारे विषय पढ़ा रहा है, तो ये मास्टरी समझ में नहीं आती है। खैर आपसे यही कहेंगे कि आप लोग इन सारे विषयों पे ध्यान से पढ़िए। हम अपने संस्थान की यदि बात करें तो यहाँ पे हम लोग लगभग हर विषय का यहाँ पे अलग अलग मास्टर है। हिंदी और संस्कृत ललिता मैडम पढ़ाएंगी, अंग्रेजी मैं स्वयं पढ़ाऊँगा, गणित भी मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन 2 टीचर्स हैं इसके लिए, अरविंदर सर और विजय सर ये कवर करेंगे, शिक्षण कौशल भी विजय सर देखेंगे, बाल मनोविज्ञान भी विजय सर देखेंगे, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं ये पूरी टीम मिलकर डिज़ाइन करती है हमारी, साथ में इसको विजय सर और अरविंद सर भी डिस्कस करेंगे, तार्किक ज्ञान हमारे हेमंत सर देखेंगे, सूचना तकनीकी भी हेमंत सर ही देखेंगे क्योंकि वो इंजीनियरिंग करे हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, उनको उसका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, तो 5 नंबर का है ये आप। साथ में सूचना तकनीक हमारी एक बुकलेट है, छोटी सी पतली सी है, मात्र 30 पन्ने हैं उसमें, उस किताब को अगर आप पढ़ लेते हो तो ये सूचना तकनीक आपका ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। इसके नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, इसके भी नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही आसान हैं, सिंपल हैं, अच्छे से मेहनत करो और पुराने पेपर्स को लगाइए आप, और आप सबको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।